हमारे सदका जारिया जो है वो किस तरफ है। अगर हम गुनाह की बात एक छोड़ गए, हमने गुनाह किया, गुनाह की बात जारी की, हम उससे राजी हुए, उससे खुश हुए, और जिसकी वजह से कोई गलत बात, गलत रस्म, कोई गंदी बात, कोई गुनाह वाली बात जारी हो गई और वो चलती रही, तो अगर वो बंदा तौबा भी उसको नसीब हो गई उसके बाद उसकी वजह से जारी होगी, वो कब्र में हशर तक जो उसकी वजह से उसको देखा देखी गुनाह करेंगे वो उसके ज़मरे में लिखते आएंगे। और हो सकता है कि बंदे के मरते वक्त नेकियां ज़्यादा हों और उसकी बख्शिश हो जाए और आलम बरज़ख में आगे आगे चलता चलता खाता नेकियों वाला तो वहीं है, वो कम रह जाए और गुनाह वाली बात जारी होती होती वो गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर काया पलट जाएगी, वो बंदा जन्नती से अजाब में आ सकता है। इस तरह कोई भी नेकी वाली बात, अच्छी बात, सदका जारिया, बेहतरीन बात, उसकी बुनियाद होगी अल्लाह रसूल की सिर्फ रजा और मोहब्बत। बस कोई ऐसी बात जारी कर जाए, थोड़ी थोड़ी चलती रहे, मसलन अपने घर में उनको पता हो कि हमारी वालदा, वालिद साहब, भाई साहब जो हैं यहाँ एक जिक्र इलाही की महफिल करवाते थे, वो चलती रहे, उसको मत रोको। नमाज का कहो, खुद कोशिश करो नमाज का कहते रहो, खत्मे पाक अपने अंबिया अलैहिस्सलाम हुज़ूर की बारगाह में पेश करते रहो। खाना हम वही खाते हैं जब नीयत, दीन बदल जाता है, दिल बदल जाते हैं, जेहन बदल जाता है, इंसान की लाइन बदल जाती है, उसका मुस्तकबिल बदल जाता है। एक बंदा उसी जगह पे वही काम करके जलीलो खार होता है, दूसरा बंदा काम जाहिर में वही करता है, उसकी नीयत कुछ और होती है, वो बादशाहत ले जाता है। अब देखिए यहाँ आए, मैंने पूछा क्यों महफिल क्यों करवानी है भाई, क्या मकसद है? उसने कहा ये मकसद है फलां, इमाम हुसैन पाक का चेले मुबारक भी है, हजूर दाता गंज बख्श का उसे पाक भी है, और मैं ये मिलाद की महफिल करवाना चाहता था कि यहाँ यहाँ थिएटर चलता है, नाच गाना चलता है इस जगह पे। तो इसने अल्लाह रसूल की रजा के लिए ईमान वालों को खाने खिलाने का अहतमाम किया। हमारा यहाँ आना जाना बैठना अल्लाह की रजा के लिए था, आपको एक एक कदम का, वक्त का, एक एक सेकंड का आपको अजर मिल रहा है और खाते में बढ़ रहा है। वही लोग देखे कि बात एक ही थी, जगह एक है, मुकाम एक है, लवाजमात वही हैं, लेकिन आज जो कैमरा चल रहा है कैमरे वाले को क्या मिला, आज इंतजाम करने वाले को क्या मिला, आने वाले को क्या मिला, यहाँ जो जितना भी जिसका सेकंड वक्त गुजारे उसको क्या मिला, और जिसने फिर अहतमाम करवाया जिसकी वजह से आगे आगे चला, तो ये एक बेहतरीन सदका जारिया हमें फ़र्क नज़र आता है। इसी तरह देखते देखते ये लाइन भी बदल जाती है।